सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि श्री राम और लक्ष्मण जब वापस अपनी कुटिया की तरफ आते हैं तो रास्ते में उनको सुग्रीव अंतिम श्वास लेते हुए मिलते हैं और वो उनको बताते हैं कि मैथिली का अपहरण हो गया है। तो श्री राम अत्यंत शोकाकुल होते हैं उस समय, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाते हैं और अपना कर्तव्य पालन करते हुए वो मैथिली की खोज बाद में करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है और इन्होंने मैथिली को बचाने के लिए युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है और वैसे भी ये हमारे पिता तुल्य हैं, ऐसा आगे आएगा। तो इससे भी पता लगता है कि वो कोई मनुष्य ही हैं। तो कहते हैं कि पिता का अंतिम संस्कार तो हम नहीं कर पाए, लेकिन ये भी हमारे पिता तुल्य हैं तो इसलिए हम इनका अंत्येष्टि संस्कार पहले करते हैं। तो इस प्रकार से श्री राम जटायु का अंत्येष्टि संस्कार करके फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसको आज हम पढ़ रहे हैं। ततः तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहोर्ददाह स्वर्गतश्च सः। तथा तेनेव शोकेन, तो उस शोक से संतप्त ही श्री राम ने गृध्वं जटायुषं दग्ध्वा, जो जटायु नाम के गृध्र थे उनका अंत्येष्टि संस्कार करके। इससे भी ये पता चल रहा है कि यहाँ पर दग्ध्वा शब्द लिखा है, तो मरने के बाद जैसे अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में अलग अलग पद्धति हैं, कोई उसमें कब्र में बिठाते हैं, कोई अग्नि में जलाते हैं और कोई ऐसे पक्षियों को डाल देते हैं। तो उसमें सबसे प्राचीन और वैदिक और वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ऐसा अगर विचार किया जाए तो इससे पता लगता है रामायण काल में भी जलाने की ही प्रथा थी। आज यहाँ नदी के किनारे बैठे हैं, ऊपर से बादल हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बूंदें आनी शुरू हो गई हैं, तो देखते हैं ज़्यादा आएंगी तो फिर इधर उधर कहीं पत्थर का आश्रय लेना पड़ेगा, अभी तो खुले आसमान में बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि मार्ग माने माने उस रास्ते में ढूंढते हुए, सीताम मार्ग माना सीता का अन्वेषण करते हुए वन में, राक्षसम संददर्श, फिर एक राक्षस दिख गया। जा तो रहे थे सीता माता की खोज में, लेकिन राक्षस दिखाई दे गया। कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम, और बड़ा घनघोर था ये राक्षस, इसका नाम था कबंध और विकृतम रूपेण, तो राक्षस का स्वरूप तो कभी होता ही नहीं है, वो तो कुरूप ही होता है, लेकिन ये कह रहे हैं उसका बड़ा विकृत रूप था। घोर दर्शनम, उसका दर्शन करना भी मुश्किल, ऐसा भयानक कबंध नाम का राक्षस उनको मिल गया।
तम निहत्य महाबाहु हो। तो जो गीता में दैवी संपद और आसुरी संपद लिखी है और उसमें आसुरी संपद का जो फल बताया है कि जो लोग दैवी संपद का आश्रय नहीं लेते हैं और आसुरी संपद का आश्रय लेते हैं, तो उस समय तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं बाद में उनको ऐसी योनियों में डाल देता हूँ कि वहाँ फिर वो अत्यंत कष्ट पाते रहते हैं और निरंतर एक से दूसरी योनि में वो जाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। तो कई बार व्यक्ति को ये शंका हो जाती है कि यदि भगवान हैं तो जो बुरा करने वाले हैं उनको क्यों नहीं रोक देते हैं? वो तो रोक ही सकते हैं। वो उस समय इसलिए नहीं रोकते हैं कि फिर आत्मा की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, तो वो पहले स्वतंत्रता देते हैं कि, और दोनों चीज़ें हमारे सामने रख देते हैं, वेद के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, सब शास्त्रों के माध्यम से। वे कहते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, अब आपकी मर्जी है आप कौन से पे चलोगे। अच्छे वाले पे चलोगे तो ये परिणाम आएगा, बुरे वाले पे चलोगे तो ये वाला परिणाम आएगा। तो इतना जिस माँ बाप ने सिखा दिया बच्चे को, तो अब तो फिर बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो वो भी हमारा पिता ही है तो वो हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन कर्म करने के बाद कोई उपाय नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकें। उसके बाद तो वो फल मिलेगा निश्चित रूप से। तो जो अच्छा करते हैं वो देव योनि आदि को प्राप्त करते हैं, और जो बुरा करते हैं उनके लिए गीता में भी बताया और यहाँ रामायण में भी हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे राक्षस पिशाच योनियों को प्राप्त होते हैं। फिर तो ये कबंध भी ऐसा ही है, लेकिन कुछ कर्म हो सकता है उसके अच्छे रहे होंगे, इसलिए श्री राम के हाथों से मर रहा है। तम निहत्य महाबाहुर ददाह स्वर्गतश्च सह। तो कह रहे हैं कि इसके बाद उसको मार करके, श्री राम ने उसको मारा और उसका भी दाह किया। तो उसका भी दाह किया तो इसका मतलब ये है कि उनका थोड़ा बाह्य दृष्टि से विकृत रूप होता है, लेकिन तो भी कुछ जलाने योग्य होगा तभी तो वो जलेंगे। तो इससे ये पता लगता है कि शरीर उनका भी पार्थिव था जिनको उन्होंने मारा, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं थे, या ये कहें कि उनके अंदर की जो दुष्टताएं थी जिसके कारण वो राक्षसत्व को प्राप्त हुए। इससे ये भी पता लगता है कि मनुष्य योनि में भी देवत्व और असुरत्व, क्योंकि जो वैदिक परंपरा है वो तो यही मानती है कि समाज में जो धर्मात्मा हैं, जो विद्वान हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो आत्मवेता ब्रह्मवेता हैं, वो देव हैं, ऐसे ही माना जाता है। उस दृष्टि से देखें तो ये कबंध इस प्रकार से ही, क्योंकि इसको यहाँ ददाह शब्द लिखा है रामायण में, तो उसको जलाया, तो जलाया का मतलब है कि उनका ऐसा कुछ पार्थिव शरीर था जलाने योग्य। तो यहाँ इन्होंने शोक संतप्त श्री राम ने पहले जटायु का अंतिम संस्कार किया, फिर आगे चले तो कबंध नाम का राक्षस मिला, पहले उसको मारा फिर उसका अंतिम संस्कार किया। स च अस्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेत राघव। और इस कबंध ने मरते मरते श्री राम को कहा, ऐसी हमने कथाएं तो सुनी हैं कि किसी व्यक्ति को कोई, किसी ने कोई गलत काम किया, माँ बाप को सताया, गुरु को सताया, बड़ों को सताया, तो फिर उनको कभी कभी शाप मिल जाता है, उनको दंड मिल जाता है। लेकिन जब वो पूछते हैं कि इससे मैं मुक्त कैसे हो पाऊँगा, तो फिर ऐसे हमने सुना है कि जब आप ऐसे व्यक्ति के हाथों से आपकी मृत्यु होगी, तो रामायण में ऐसे दो तीन उदाहरण मिलते हैं, जैसे वो जो हैं कालनेमी जब हनुमान जी को रोक लेते हैं रास्ते में, और मकरी वो उसमें सरोवर में स्नान करने के लिए संजीवनी वटी जब लेने जा रहे थे, तो रावण ने वो वापस ना आ पाए इसलिए कालनेमी को गुरु बना करके वहाँ ऐसे कंदराओं के ऊपर बिठा दिया था, और फिर वो गुरुजी ने कहा कि मैं आपको दीक्षा दूंगा, तब तक आप पहले स्नान करके आओ, तब आपको गुरु दीक्षा दूंगा मैं।
क्योंकि उनको लेट करना था कि सूर्योदय से पहले ये चले ना जाएं। तो मकरी आती है पीछे से, वो हनुमान जी को पकड़ लेती है, हनुमान जी उसका मुंह फाड़ के उसको मार देते हैं, और मरते ही वो एक अप्सरा का रूप धारण कर लेती है, और वो उनको बता के जाती है कि ये जो जिसको आप गुरु मान रहे हैं, गुरु नहीं है, ये तो असुर हैं, कालनेमी। ये उस समय भी मतलब इन कपड़ों का मिसयूज होता था, आज भी होता है, क्योंकि उस समय हम दो जगह भगवा कपड़े का मिसयूज देखते हैं। रावण ने भी ऐसे ही कपड़े पहने और कालनेमी ने भी ऐसे ही कपड़े पहने। तो इसका मतलब है ये अच्छाई और बुराई हमेशा से ही चली ही आ रही है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, श्री राम के समय में सतयुग में सब पुण्य आत्माएं थी, सब दिव्य आत्माएं थी उस समय। तो ऐसा नहीं है, वहाँ इतने ये जो राक्षस हैं 14,000 तो इन्होंने मार दिए दंडकारण्य में, तो सब अच्छे होते तो इतनी बहुतायत में कहाँ से राक्षस आ गए थे फिर। तो ये कुछ लोग मतलब ऐसे भ्रम पैदा करते हैं, बोले अब तो सब कलयुगी आत्माएं हैं, अब तो कोई गिनी चुनी अच्छी आत्मा है सतयुगी आत्मा, बाकी सब घोर कलयुगी आत्माएं हैं, और सतयुग में तो सब सतयुगी आत्माएं थी। ऐसा नहीं, अच्छाई और बुराई हर युग में साथ साथ रहती है, बस उसका रेशियो कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी दृष्टि से फिर उसका नाम पड़ जाता है। माने उस समय सात्विक लोगों की बहुतायत थी तो इसलिए उसको सतयुग कह दिया, लेकिन वहाँ था ही नहीं कोई, ऐसा था ही नहीं, तो फिर श्री राम ये 14,000 की जो हत्या की ये कहाँ से आ गई थी। और ये कोई ऐसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि हत्या तो उसी की जाएगी ना जिसका कोई डील डोल दिखाई दे, अदृश्य शरीर की तो हत्या भी कैसे की जाएगी। तो इन्होंने कबंध ने जाते हुए कहा, मतलब मरते हुए कहा, यहाँ पर कहा स्वर्गतश्च सह, वो स्वर्गगामी भी हो गए, वह स्वर्ग में भी चला गया। तो जो भगवान के हाथ से जिसको कृपा मिलेगी वो तो धन्य हो ही गया, लेकिन भगवान के हाथ से जिसको मृत्यु भी मिली वो आत्मा भी धन्य हो गई, क्योंकि हाथ उनका लग गया ना, तो उनका तो दुलारना और मारना दोनों ही कृपा हैं। तो जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो वो हमें दंड देते हैं, वो भी उनकी कृपा ही है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब भगवान कृपालु है तो इतने लोगों को दर्द क्यों देता है, तो वो दर्द देना भी उनके ऊपर कृपा ही है, ताकि वो उस दंड को भोग करके जो उनके ऊपर एक पाप का ऋण था उससे उऋण हो जाएं, और इस दंड के अनुभव से आगे कोई बुरा काम ना करें, तो ये भी उनकी कृपा ही है। तो राम जी कृपा करके तारें या मारें, लेकिन हर हाल में हमें श्री राम की शरण में जाना ही चाहिए। हमारे लिए हर हाल में उनकी शरण सुखदायी ही होती है। तो कबंध यहाँ पर स्वर्गत्व को प्राप्त कर गए हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही लिखा है, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्षसे महिम, कि तू भगवान के सानिध्य में जो भगवान कह रहे हैं ना वैसा कर्म तू करता रहे। अगर तू ये काम करते हुए मर गया वीरगति को प्राप्त होगा, क्षत्रियों का तो काम ही है कि धर्म युद्ध में शहीद हो जाना, और यदि तू जीत गया तो इसको पूरी पृथ्वी तेरे को भोगने के लिए मिलेगी। तो भगवान जी की शरण में जा कर के कभी किसी की हार नहीं होती है। एक प्रार्थना करते थे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज, तो वो उन्होंने कहा जो व्यक्ति ये भजन सुना रहा था कि भाई इसकी पंक्ति थोड़ी सी चेंज कर लो, है जीत तुम्हारे हाथों में नहीं हार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथ में जिसने अपने आप को एक बार सौंप दिया उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान ने वेद में भी उसका प्रमाण दिया कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ जो मेरी शरण लेता है। पहला ही ऋग्वेद का जो सूत्र सूक्त है अग्नि सूक्त, उसमें ही भगवान ने कह दिया। और
भद्रं करिष्यसि, यदंग दाशुसे त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। वहाँ पर यह मंत्र आता है कि हे अग्ने, हे ज्योति स्वरूप, अग्नि स्वरूप ईश्वर, यदंग दाशुसे त्वम, जिनको तुम अपने अंक में ले लेते हैं, अंग में ले लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, या जो प्राणी स्वयं ही परेशान होकर आपकी शरण में आ जाते हैं, भद्रं करिष्यसि, उसका तू भद्र ही करेगा। एतत् त्वं सत्यमंगिरः, ऐसी आपकी सत्य प्रतिज्ञा है। गीता में भी ऐसे श्लोक आते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, न ही पुण्यकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम अनुस्मर, माम एव एष्यसि प्रियो प्रतिजाने प्रियोसी में। तू निश्चित रूप से जान, अगर तू मेरी शरण में आ गया है तो तेरा कल्याण ही होगा। तो ऐसे अनेक प्रतिज्ञाएं भगवान ने की हैं। तो भगवान की शरण में आने वाले की हार नहीं होती है कभी भी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भक्त घबराता तभी है जब उसके ऊपर संकट आता है, तो उसको लगता है कि भाई मैं तो ऐसे ही अपने मन में सोच रहा था कि मैं भगवान की शरणागति में हूँ, भगवान जी तो कहीं नहीं, किसी की कोई सहायता नहीं करते हैं, तो इसलिए भाई धन की शरण में जाओ, जिसके पास धन है उसके पास कोई कष्ट नहीं है। इसलिए भाई अपने भाई बंधु कुटुंब परिवार की शरण में जाओ, जब संकट आता है तो वही बचाते हैं। तो ये सब हमारे मन को बहलाने के लिए अज्ञान मूलक विचार हैं। खुद ही व्यक्ति को, मन 50 आदमी भी मेरे चारों तरफ क्यों ना बैठे हों, पर जो मेरे मन का दर्द है वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ किसी से। और भगवान उस समय भी, भगवान की कृपा ही होती है जिस समय हमें उनका ये लगता है कि कष्ट दे रहे हैं। तो ये जो महाकबंध नाम के जो राक्षस हैं, भगवान राम के हाथ से मर गए, उनका दाह संस्कार हो गया स्वर्ग तश्च सह, और वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने जाते जाते कहा, कथया मास सच अस्य कथया मास, उस कबंध नाम के राक्षस ने श्री राम से कहा कि श्रमणाम धर्म निपुणाम धर्मचारिणीम शबरीम अभिगच्छेत। राघव, हे राघव, आप शबरी के आश्रम में जाना, क्योंकि वो वर्षों से आपकी बाट जो रही है, आपकी राह देख रही है। और उसके विशेषण बताए यहाँ पर, धर्म निपुणाम, धर्म में निपुण है जो। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि वो तो केवल बस झाड़ू लगाती थी और बस जंगल में रहती थी, ऐसी एक मैली कुचेले कपड़े पहनने वाली एक कोई बुढ़िया सी थी और भगवान ने कृपा कर दी, तो ऐसे ही कृपा नहीं होती है, वो कृपा की पात्र बन चुकी थी। क्योंकि कृपा कपड़ों से नहीं होती है, कृपा अंतःकरण के ऊपर होती है। अंतःकरण कैसा निर्मल है, बाहर के कपड़े कितने भी मैले कुचेले हों, साधारण से हों, फटे पुराने हों तो चलेगा, लेकिन अंतःकरण यदि मैला कुचेला है, फटा पुराना है, टूटा फूटा है, कहीं आहत है, तो ऐसे अंतःकरण से फिर उस दिव्य शक्ति को अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो देखो, शबरी के लिए यहाँ पर विशेषण दिए जा रहे हैं, धर्म निपुणा। धर्म में निपुण कौन होगा? जो पहले धर्म के मार्ग पर चलना शुरू करेगा। तो पहले जब धर्म के मार्ग पर चलना शुरू करेगा, तब तो कुछ ठोकरें लगेंगी, कुछ भूलें होंगी, कुछ त्रुटियाँ होंगी, फिर भी वो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर ही चलता रहेगा कष्ट पा करके भी। तब कहीं चलते 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 करते 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 वर्षों के बाद फिर कहीं निपुणता आती है। कोई व्यक्ति घुड़सवारी करने में निपुण कब बनता है? पहले दिन थोड़े बन जाता है कि दो चार दिन घोड़े पे बैठा और वो निपुण हो गया, ना। पहले तो वो गिरता है, कहीं टूट फूट होती है, फिर वो कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, वे अपने बस की नहीं है घुड़सवारी। और कुछ ऐसे पक्के होते हैं इरादे के कि चाहे कुछ भी हो, ये तो हमें सीखनी ही है, तो फिर वो लगे रहते हैं, वर्षों के बाद जा कर के वो कहीं निपुण हो पाते हैं। कोई संगीत कला में निपुण होना चाहता है तो एक दो दिन में थोड़े ना निपुण हुआ जाता है उसमें। पहले तो कहीं स्वर टूटेगा, कहीं ताल टूटेगी, कहीं उंगलियां फिसलेंगी जब वो वाद्य सीखते हैं और जब गाने लगते हैं, लेकिन वर्षों की तपस्या के बाद, प्रतिदिन अभ्यास करने के बाद, तब उसमें निपुणता आती है। तो कोई भी विद्या है, चाहे वो
संगीत की विद्या है, चाहे वो व्याकरण विद्या है, वेद की विद्या है, प्राणायाम की विद्या है, ड्राइविंग की विद्या है, मैथमेटिक्स विद्या है, भूगोल विद्या है, खगोल विद्या है, नक्षत्र विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, चाहे धर्म की विद्या है, कोई भी विद्या है, उसमें निपुण होने के लिए वर्षों व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। तो यहाँ शबरी इस जो उनका विशेषण दिया है, जो उनका यहाँ पर उल्लेख किया है, धर्म निपुणाम धर्मचारिणी, वो धर्म का आचरण करने वाली और धर्म में निपुण है, तो इसका मत। और ये बात कौन कह रहा है? कबंध नाम का राक्षस। राक्षस का और धार्मिकों का तो शाश्वत विरोध है, वो उसके बारे में कैसे कह सकते हैं? तब कहा जब वो मरने लगा, जब उसके राक्षसत्व का नाश हो गया। तो इससे ये पता लगता है कि जिस व्यक्ति में राक्षसत्व की प्रधानता है, असुरत्व की प्रधानता है, वो भी देवत्व को ही अच्छा मानता है और कहीं ना कहीं हृदय में उसके लिए सम्मान भी होता है। नहीं तो इसको कहने की क्या ज़रूरत थी कबंध को कि आप उनके आश्रम में जाना, वो वर्षों से आपका इंतज़ार कर रही हैं, धर्म का आचरण कर रही हैं, एक आश लगाए बैठी हैं आपके लिए, ऐसा कदापि नहीं कहता। तो ये जो हमारे सत आचरण की जो गंध है वो दोनों साइड में जाती है। जैसे यहाँ हम नदी के किनारे बैठे हैं और जो अलकनंदा नदी आज पूरे वेग से बह रही है, बारिश हो रही है इसलिए, तो ये एक साइड में बह रही है, ये इधर से पूर्वोत्तर की तरफ से और इधर जा रही है, पश्चिम दक्षिण की तरफ जा रही है। तो जितनी भी नदियां हैं संसार की, वो एक ही साइड में बहती हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि एक नदी ऐसी भी है जो जिसका प्रवाह चारों दिशाओं में जाता है। अच्छा, जब फूल खिलते हैं तो फूल की जो सुगंध है वो भी उस दिशा में जाती है जिस दिशा की वायु बह रही हो। अगर वायु पूरा उसे पश्चिम की तरफ बह रही है तो गंध भी पश्चिम की तरफ जाएगी, यदि वायु पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है तो गंध भी पूर्व की तरफ जाएगी। लेकिन धर्माचरण की जो गंध है, सत्याचरण की जो गंध है, वो चारों तरफ जाती है। अपने से प्रेम करने वालों में भी जाती है, अपने से वैर करने वालों में भी जाती है, वो भी मानते हैं इस बात को। जब इनका वध हो जाता है मेघनाथ का, और यद्यपि ऐसा तो अब इसमें वर्णन है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जो किम वदंती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, जैसा सुना है कि वो जो है मेघनाथ जब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो उधर पड़े हैं, तो उनकी जो पत्नी है सुलोचना, वो अपने ससुर से कहती है कि मैं अपने पति के साथ ही अब अग्नि समाधि लेना चाहती हूँ, सती होना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ कुछ सैनिकों को भेज दीजिए, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि श्री राम के खेमे में, उनके पक्ष में जाने के लिए आपको सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पर नारी को अपनी माँ और बहन के समान सम्मान देते हैं। तो ये है चरित्र की सुगंध, क्योंकि रावण तो जानी दुश्मन है राम का, और उनकी पत्नी को हर के ले आया है, और ये तो राक्षस है, असुर है, लेकिन तो भी ये कह रहा है कि राम का चरित्र बहुत ऊंचा है। तो इसको कहते हैं कि चरित्र की उच्चता। ऐसे ही शिवाजी महाराज जब मुसलमानों के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके जो सैनिक हैं वो एक वहाँ से एक युवती को बंदी बना करके ले आते हैं, पालकी में बिठा करके, और भरी सभा में आकर के कहते हैं कि महाराज आज आपके लिए इतना सुंदर तोहफा लाए हैं कि आप देख करके हमें पुरस्कार देंगे। तो वो कहते हैं कि लाया जाए, सामने लाया जाए। तो फिर पालकी अंदर आती है और जैसे ही उसको खोला जाता है तो उसमें से वो युवती निकलती है, तो इतना पश्चाताप करते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं कि मेरे व्यक्तियों ने जो आपके साथ बदसलूकी की उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और उनको बहुत धिक्कारते हैं, और जो लोग उनको पकड़ के लाए थे उनके हाथ कटवा कर उनको कारागार में डाल देते हैं।
और अपने दूसरे सैनिकों से कहते हैं कि इनसे क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक इनको इनके घर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई इनके पिता से है, ये हमारी बेटी जैसे ही है। तो ये जो जब उसने सुना, मुसलमान जो शासक था, तो कहते हैं कि उन्होंने शिवाजी के इस उद्धरण को बहुत बार कोट किया और उन्होंने वो युद्ध भी बंद कर दिया कि भाई वो व्यक्ति फिर लड़ने के लायक नहीं है। यदि उसका इतना ऊंचा चरित्र है तो उनको बताओ हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ भी जो शबरी के चरित्र की गंध है, चाहे कोई कितने ही कोने में, जंगल में, एकांत में, कई बार हम घरों में कहते हैं ना कि जी पता किसको लगेगा कि हम कर रहे हैं, कुछ सहन कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, तो सबको पता होता है कहीं भी करे, और किसी को भी पता ना हो कम से कम भगवान को और अपने आप को तो पता होता ही है। तो हम कभी भी आध्यात्मिकता से मुंह ना मोड़ें, आध्यात्मिकता का आचरण हम करते ही रहें तो कभी ना कभी श्री राम की दृष्टि हो ही जाती है, कभी ना कभी ब्रह्म, और कभी ना कभी नहीं हर पल है हमें उसकी अनुभूति कभी ना कभी हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो चलिए, बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही है और समय भी हो गया है, तो शेष जो है फिर वो अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया, तो इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।